नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 12 साल की एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड गर्ल योगिता से। जानेंगे उनके अचीवमेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में। योगिता, आपका स्वागत है YouTube चैनल पे। थैंक यू सर। योगिता, ये खूब सारे मुझे यहाँ पे अचीवमेंट्स और एक्टिविटीज, ये पेपर कटिंग दिख रही है, तो मुझे सबसे पहले आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। ये वाला मैं खो खो में लिया था, मैंने ये गोल्ड मेडल खो खो में जीता था, और आई हैव 2 ब्रॉन्ज मेडल, ये मैंने टग ऑफ वॉर में जीता था, और ये वाला मैं 3 लेग रेस में जीती थी। ये किस में था बेटा? 3 लेग रेस। ये क्या चीज़ होती है बेटा, जरा दर्शकों को बताएं। ये इसमें ना 2 स्टूडेंट्स होते हैं, और उनके है ना एक पैर बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं 3 लेग रेस। तो ये एक तरह से इंजॉयमेंट का गेम है। तो हम जब सेकंड क्लास में थे तब हमें ये खिलाया जाता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। और ये वाला, ये किस चीज़ का है, ये बताएं। ये मैंने 5th क्लास में जीता था, ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड का 2nd रैंक का था, ये क्लास 2nd रैंक में थी मैं। ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है, ओलंपियाड में 2nd रैंक लाना, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट, बहुत अच्छे बेटा। और ये काफ़ी मेरे को, ये कुछ पेपर कटिंग्स भी दिख रही है, तो पेपर कटिंग्स के बारे में भी हमें कुछ बताएं। तो सबसे पहले मैंने फूलों से स्टार्ट किया था, क्योंकि तब मैं बहुत ही सोचती थी कि मैं भी कुछ नया कुछ करूं पढ़ाई के अलावा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पेपर कटिंग्स है, जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ये बनाया। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको मैंने ये कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने पेपर को एक फ्लावर की शेप दी, ऐसे करके मैंने बहुत सारे पेपर काटे, फिर उसके बाद इनको फोल्ड करके, इनकी पेटल्स को फोल्ड करके इनको स्टिक किया एक साथ। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा शेप लेके तैयार हुई थी, ऐसे करके ये सारे। ये सभी एक ही तरह से बने हैं क्या? यस, ये सारे एक ही मेथड से बने हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर योगिता ने बनाए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ये वाइट फ्लावर और ये पिंक फ्लावर, ये कैसा लग रहा है, ये कौन सा फ्लावर है योगिता? ये मैंने बस अपना एक, ये सनफ्लावर की तरह लग रहा है मेरे को। हाँ, ये सनफ्लावर ही है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस किए थे, कुछ नया ऐड किया था। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, और भी बहुत सारी चीजें दिख रही है, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं और मुझे भी बताएं क्या चीज है ये। एक तरह का फ्लाइंग बर्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। पहले पेपर के मैंने छोटे पीसेस किए, फिर उसके बाद मैंने ना इनको ऐसी शेप दी जिनसे ये एक दूसरे के अंदर डल सके। तो मैंने इसको एक दूसरे के अंदर डाल के, आप देख सकते हैं, एक फ्लाइंग बर्ड की मैंने एक शेप दे दी है। ऐसे करके मेरे ये 3 और बनाए थे, एक ये बेयर देख सकते हो, और ये वाला भी बताएं इसके बारे में। ये स्वान आप जानते ही होंगे, तो ये स्वान का बनाया था मैंने, स्वान को देख के, जैसे आप देख सकते हैं ये इसके लंबे लंबे विंग्स हैं एंड इसके ये नेक है एंड लाइक दैट। मुझे बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं छोटे छोटे पेपर कटिंग करके किस तरीके से ये किया गया है, मुझे खुद तो समझ नहीं आ रहा, पर बनाया बहुत खूबी से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छे योगिता। और लगभग फ्लावर्स और पेपर कटिंग अपने देख ली, पर ये कुछ मुझे खिलौने भी देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर, ये कुछ गुड़िया, ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा इनके बारे में और बताएं, ये क्या है ये खिलौने? ये मैंने क्ले से बनाया है, जैसे मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। पहले तो मैं बस ऐसे ही खेलती रहती थी, फिर मेरे दिमाग में कुछ आया कि मैं इनसे कुछ अलग बनाऊँ। तो आप देख सकते हैं जलपरियाँ बनाई हैं, तो इसमें ज़्यादा, पहले तो मेरे को बहुत करने में मुश्किल हुआ था, मगर अभी मेरे लिए आसान सा हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने ये सभी जलपरियाँ हैं क्या? हाँ, ये ग्रीन जलपरी, ये रेड जलपरी और ये ब्लू जलपरी, ब्लू पानी में रहती है, ऐसा ये कुछ? हाँ, ऐसा सही है। बहुत सुंदर, देखो आप भी देख रहे होंगे। और योगिता, मुझे कुछ यहाँ पे बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्स किस चीज़ के हैं, इसके बारे में भी बताएं मुझे, बहुत सुंदर सुंदर बॉक्स लग रहे हैं मुझे। ये मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे अपने मम्मी के लिए, एज स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल जैसे कार्ड्स होते हैं वो बनाए थे, और उसमें कोई ऐसी कविता वगैरह लिखती थी मैं। फिर मेरे दिमाग में कुछ क्रिएटिव आया, तो मैंने, आप देख सकते हैं, ये बनाया। ये पहले तो ये बॉक्स सा लगता है, फिर इसका ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा कार्ड सा लगता है।
जैसे आप देख सकते हैं मैंने बीच में ये फ्लावर दिया है। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, इसके दो पेटल्स को जैसे मैं खींची तो आप देख सकते हैं फ्लावर शेप में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड बेस्ट मॉम, अपनी मम्मी के बर्थडे पे लिखा था। और एक ये है, इसको मैं खोलती हूँ। यहाँ पे मैंने विश किया था अपनी मम्मी को हैप्पी बर्थडे। और आप ये देख सकते हैं मेरे को बनाने में और देखने में बहुत टाइम लगा था। ये देख सकते हैं ये ऐसे खुलता है, एज दीवारें लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे नोट यहाँ पे थॉट्स लिखे थे मम्मी के लिए। तो ये ऐसे था, इसको मैं डाल देती हूँ वापस। और एक ये देख सकते हैं ये ऐसे, इसको काफ़ी सारी बार घुमा सकते हैं, देख सकते हैं ये अनलिमिटेड फोल्डेड है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके पीछे का ये, इसको ऐसे खोलते हैं, यहाँ पे भी मैंने एक थॉट लिखा था। इस तरफ कुछ ड्राइंग्स भी पड़ी है, तो इन ड्राइंग्स के बारे में भी कुछ बताएं योगिता। ये मैंने कुछ रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग्स। ये मैंने कोई एनिमेशन ट्राई की थी, ये दोनों सबसे ज्यादा फेवरेट, ये हैरी पॉटर वाली मेरी फेवरेट है। योगिता, ये खूब सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ तो मैंने देखी, इनके अलावा आप स्पोर्ट्स में और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? मैं प्लेइंग विद पियानो, सिंगिंग, डांसिंग, जूडो, कराटे, स्केटिंग, चेस, बैडमिंटन एंड साइकिलिंग एज ए डेली हॉबी के लिए करती हूँ। योगिता, इतनी कम उम्र में इतनी एक्टिविटीज़, इतने अचीवमेंट्स, अमेजिंग है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली वो हमारे व्यूवर्स को बताएँ। आई वॉन्ट टू यूज़ माई फ्री टाइम, दैट्स वाई मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखी और सीखी। मेरे दिमाग से ही मैंने किया है, सोचा है। और जहाँ मेरे को दिक्कत हुई वहाँ पे मेरे माता पिता और मेरे दादाजी ने मेरे को सपोर्ट किया। योगिता, आपकी एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। आप अपनी हम उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं अपने हम उम्र के बच्चों को ये कहना चाहूँगी, जैसे पढ़ाई तो ज़रूरी है मगर अपने खाली टाइम में कुछ ऐसा क्रिएटिव ऐसा करना चाहिए ताकि आपके दिमाग को कुछ एनकरेज हो और आपको भी ऐसे फील आता है कि मैंने कुछ अलग से भी किया है। बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। योगिता, आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।